प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की जय। माँ उपदेश दे रही हैं, कृपा सर्वक्षण वर्षण हो रहा है, पात्र अगर ठीक से भर सके तो ठीक। हम लोग तो अक्सर पात्र उलट कर रख देते हैं, इसलिए उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। परमार्थ ही परम धर्म, सर्वक्षण एकमात्र भगवत स्मरण कर्तव्य, परमार्थ ही एकमात्र सत्य और सब व्यर्थ। रोग के रूप में वे ही तो सभी आनंद, जो होना है होगा ही। प्रश्न, भगवान हमारा पिता माता सखा बंधु सब एक ही समय में कैसे हो सकता है? मां, हां सब है, तुम ही तो सब हो। प्रश्न, तत्व की दृष्टि से तो ठीक है। मां, बेतत्व की बात ही कहां है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जहां है वहां तुम पिता माता सखा सब कुछ हो सकते हो। तत्व प्रकाश के लिए ध्यान जप इत्यादि जिसको जो अनुकूल होता है वह करते हैं। भगवान की जो क्रिया है वही लीला है। भगवान स्वयं खेल रहा है पिता के रूप में, माता के रूप में, पुत्र के रूप में, सब के रूप में भगवान ही है। एक के लिए सब हैं, एक है इसलिए सब हैं। भगवत प्रकाश पाने के लिए कोशिश करो, भगवान मिलने से सब मिलेगा, इसलिए सब एक है। प्रश्न, सब कुछ भगवान ही है यह समझते हुए भी भ्रांति क्यों होती है? इस भ्रम से कैसे निकलें? मां, रास्ता तो भगवान ने बता रखा है। तुम जो चाहते हो कि इस भ्रम से निकलें, इसका तरीका सत्संग से मिलता है और अमर कथा सुनना, जिस कथा के सुनने से मृत्यु की बात रहती नहीं। जो बात महात्मा लोग बतावें या अपना गुरु बतावे, वैसे चलने से भ्रम कटने के लिए चित्त की अवस्था अनुकूल हो जाएगी। महात्माओं का सत्संग करो और गुरु की आज्ञा का पालन निशंक होकर करो। प्रश्न, एक खिलौना और एक खिलाड़ी है, ईश्वर और भक्त में कौन खिलाड़ी है और कौन खिलौना है? मां, अच्छा पिताजी, बात यह है कि तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं। खेलने वाला, खिलौना और खेल, इन तीन पोटलियों का जब तक नाश नहीं होता तब तक एकत्व का प्रकाश नहीं होता। प्रश्न, वेदांत का प्रश्न मैंने नहीं किया है, भक्ति की दृष्टि से पूछ रहा हूं। मां, भगवान अपने को लेकर आप ही खेलते हैं, स्वयं नहीं तो खेल हो सकता है क्या? भगवान स्वयं अपने को लेकर खेलते हैं। प्रश्न, ध्यान कैसे किया जाए? मां, गुरु ने ध्यान जैसा बताया हो वैसा करो। ध्यान करना एक बात है और ध्यान होना दूसरी बात है। जिनको जैसा गुरु ने बतलाया है उनको वैसा ही करना चाहिए। असल में ध्यान स्वयं अपने आप हो जाएगा। तुम में जो क्रिया शक्ति है उसको लगाकर ध्यान करो। प्रश्न, प्रतिवर्ष संयम सप्ताह हो रहा है, आप उसकी परीक्षा लेती हैं या नहीं? मां, यहां कुछ पढ़ा सुना है नहीं, ऊटपटांग बोलती हूं उसे सुनो। जो प्रोफेसर छात्रों की परीक्षा लेता है वह प्रोफेसर तो यह जानता ही है कि इस छात्र में कितना ज्ञान है, किंतु प्रोफेसर इसलिए परीक्षा लेता है कि छात्र स्वयं यह जान सके कि मैंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझमें कितनी कमी है। फिर यहां प्रोफेसर है ही नहीं, छोटी बच्ची है। सबकी ओर संकेत करके, हम तो अपने पिता माता के पास बैठे हैं। भगवान का कैसा सुंदर खेल हुआ, ऋषि लोग खींच खांच कर अपने स्थान पर ले आए हैं। स्थान का प्रकाश नित्य ही है। इन 7 दिनों में तुम सब घर में क्या करते, कितना झूठ सच संयम असंयम
कर्तव्य अकर्तव्य करते, यहां तुम सब संयम के लिए कोशिश करते हो, इससे जरूर आगे बढ़ोगे। संयमित जीवन पालन करने के माने क्या हैं? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। संयम सप्ताह में अधिक निद्रा भी नहीं, अधिक भोजन भी नहीं। भगवान का कैसा सुंदर विधान है, पहले तुम घर में एक थे, स्वयं दो हुए, फिर दस हो गए। पहले पढ़ा, परीक्षा देकर धन कमाने लगे, फिर खाने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ नहीं है, एकमात्र भगवान ही सर्वत्र हैं। वे ही अपने को लेकर खेल कर रहे हैं, उनके प्रकाश के लिए कोशिश करना चाहिए। मनुष्य विषय भोग में ही मस्त रहता है। विषय क्या है? विषय विष है। विष पीने से व्यक्ति तुरंत मर जाता है, किंतु विषय ऐसा विष है जो धीरे धीरे मारता रहता है, स्लो पॉइजन है। मृत्यु कौन है? तुम स्वयं ही मृत्यु स्वरूप हो, तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो। गुरु कृपा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करो। खिलाड़ी, खिलौना, खेल सब एक ही हैं, वही ही खुद है। मैं अमृत हूं ऐसा सोचना चाहिए, ऐसी बुद्धि को ही सुविधि अथवा सुकौशल कहते हैं। यदि विषय वासना में फंसे रहोगे तो फिर रिटर्न टिकट करना पड़ेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है, यह सब सोचो और शुभ गति की क्रिया करो, दुर्गति की ओर ना जाओ। भगवान दूर हैं यह सोचना ही दुर्बुद्धि है, इसी से दुर्गति होती है। यहां इम्तिहान क्या लेना है, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही लाभ है। प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की जय।